तो फाइनली देख लो कि सेम ही आईडी से दो डिवाइस में एक ही टाइम पे मैच चल रहा है। नीचे वाले में तो एल शेप में खड़ा एंड दूसरा जो फोन है गाइज उसमें नूब लॉबी भी दिख रहा होगा। हे गाइज बेटो आर्मी ये सबसे पहले तो आप सभी को लिटरली सॉरी कि मैं इंस्टाग्राम पे इंडिविजुअली डबल प्लस ग्लिच वाली वीडियो नहीं भेज पाया बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी थी। बट गाइज डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं डबल प्लस ग्लिच एंड बॉट लॉबी वाली ग्लिच दोनों को फुल प्रूफ के साथ रिवील करने वाला हूं। एंड गाइज अब मुझे स्ट्राइक का भी कोई डर नहीं है बिकॉज वो जो ग्लिच वाली वीडियो थी ना उसको मैंने खुद के हैंडकैम के साथ रेडी कर लिया है। गाइस जी सबसे ज्यादा खुशखबरी तो आप लोगों के लिए ये है कि ये जो ग्लिच है ना वो एंड्रॉइड में भी वर्किंग है एंड मैं जो आपको आज प्रूफ दिखाने वाला हूँ वो एंड्रॉइड में ही करके दिखाने वाला हूँ। इस ग्लिच को यूज करके आप अपने गेम के अंदर पूरी की पूरी बॉट लॉबी एंड दूसरा गाइस ये कि आप एक ही टाइम पे 4, 5, 10 मोबाइल में भी मतलब एक ही आईडी से गेम स्टार्ट करके मतलब 20 मिनट के टाइम पे आप 250, 300, 400 तक का प्लस ले सकते हो। एंड वंस अगेन गाइस रियली सॉरी टू ऑल बिकॉज इस ग्लिच के लिए आपको इतना लंबे टाइम तक वेट करना पड़ गया। तो चलो गाइस बिना लेट किए उस ग्लिच के बारे में बताते हैं। बट उससे पहले ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है एंड हाँ इसको इग्नोर मत करना नहीं तो फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली जाए। गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना ताकि मेरी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो गाइस बिना लेट किए आपके सामने मैं उस हैंडकैम की वीडियो को स्टार्ट करता हूं। बट हां कैमरा की क्वालिटी थोड़ा सा अगर लो होना तो उसको मतलब ध्यान से देखना आप इजीली समझ जाओ। तो गाइस यहां पे बैकग्राउंड में देख लो मेरी ग्रैंड मास्टर वाली आईडी आपको दिख रही होगी, ऊपर वाले फोन में लॉगिन है एंड सेम ही आईडी गाइस नीचे वाले फोन में भी लॉगिन है बट टैप टू बिगिन नहीं हुआ है। एंड हां वीडियो देखकर यहीं पे से छोड़ के मत चले जाना क्योंकि आपको तो लग रहा होगा कि यार ये तो पुराना ही ग्लिच फिर से बता रहा है। बट नहीं, इसमें बहुत सारा चेंजिंग है जो आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस देखो सबसे पहले तो आपको रैंक मैच सेलेक्ट करना है एंड रैंक मैच सेलेक्ट करने के बाद गेम को स्टार्ट कर देना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने भी रैंक मैच सेलेक्ट करने के बाद गेम को स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस जिस आईडी से मैंने मैच को स्टार्ट करा है वो आईडी अभी ग्रैंड मास्टर पे चल रही है जो कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। एंड उसके बाद गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट होता है हम लोग लॉबी में आते हैं एंड देन फिर लॉबी में आने के बाद गाइस अब आपको करना कुछ नहीं है, चुपचाप आपको अपने नेट को ऑफ करना है। बट यहाँ पे मेरा गाइस वाईफाई कनेक्टेड रहता है तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो वाईफाई को ऑफ करता हूँ। एंड गाइस नेट या फिर वाईफाई ऑफ करने के बाद आपको दूसरे वाले फोन में टैप टू बिगिन कर देना है जहाँ पे आपकी सेम आईडी लॉगिन हो। एंड गाइस जैसे यहाँ पे रिकनेक्टिंग लिखता है उसके बाद आपको अपने वाईफाई को ऑन कर लेना है। एंड देन फिर गाइस वाईफाई ऑन करने के बाद आपको अपने गेम को बैक कर देना पहले वाले फोन में जहाँ से मैच आप स्टार्ट किए थे। अब यहाँ पे गाइस फायदा ये होगा कि देखो नीचे वाले फोन में तो रिकनेक्टिंग करके आपने मैच को स्टार्ट कर दिया है एंड पहले वाले फोन में आप गेम में वापस बैक आ गए। एंड यहाँ पे आने के बाद अब आप नया स्क्वाड सोलो डुओ कुछ भी मैच फिर से स्टार्ट कर सकते हो। एंड वहीं पे गाइस आपको नीचे फोन में दिख भी रहा होगा कि मैं प्लेन में भी आ चुका हूँ। बट हाँ ये नेटवर्क कनेक्शन इधर बार बार आता है तो उसको ओके करते रहना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट आपको गेम को पूरा खेलना है। एंड वहीं पे गाइस ऊपर वाले फोन में देख लो मैं आपको स्क्वाड बना के दिखा दे रहा या फिर सोलो डुओ आप इजीली बना सकते हो। बट अगर आप किसी और तरीके से एलिमिनेट करोगे ना तो आपको स्क्वाड या फिर सोलो डुओ नहीं बनाने देगा गाइस। एंड डोंट वरी गाइस चिंता मत करो, मैं अभी फिर से सोलो में मैच स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरे वाले डिवाइस में एंड देखता हूँ कि क्या दोनों डिवाइस में एक ही टाइम पे गेम को खेल पाता हूँ या नहीं। एंड गाइस जब तक ऊपर वाले फोन में गेम स्टार्ट होता है मैं आपको नीचे वाले फोन में दिखा दूं तो देख लो गाइस लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे बरमुडा रैंक्ड एंड ग्रैंड मास्टर का लोगो भी दिख रहा होगा, मतलब ये कंफर्म तो है कि ये रैंक्ड मैच ही है। एंड इतने में क्या होता है गाइस कि मैं नीचे वाले फोन में लैंडिंग कर जाता हूँ तो इसको भी थोड़ा सा खेलना पड़ता है क्योंकि गाइस अगर एक ही टाइम पे मर गया तो वो भी दिक्कत है ना। एंड इतने में क्या होता है गाइस कि ऊपर वाले फोन में भी मैच स्टार्ट हो चुका है। बट गाइस आपको ऊपर वाले फोन में कुछ दिख रहा होगा यूनिक सा एंड वो यूनिक सा यही है गाइस कि ऊपर वाले फोन में नूब लॉबी भी दिख रही होगी, मतलब एक भी बंदे अच्छे नहीं है गेम के अंदर। ये कैसे हुआ गाइस? सबसे पहले तो इसी बात पे यार अगर वीडियो देख रहे हो ना लाइक नहीं किया तो पंडित से मुहूर्त निकलवाने का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से लाइक करो एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दो क्योंकि गाइस मैं तुम्हें रैंक पुश की ऐसी दवा खिला रहा हूं कि जिससे तुम अनलिमिटेड स्कोर कर सकते हो। एंड गाइस यहां पे देखो सपोज करो कि आपके पास तीसरा फोन है तो नीचे वाले फोन में तो गेम चल रहा है तो उसको तो चलने दो। बट अभी जो मैच स्टार्ट हुआ है जहां पे आप लॉबी में हो ना तो वहां पे सेम प्रोसेस करना है, नेट को ऑफ करना है, दूसरे फोन से रिकनेक्ट करना है एंड फिर इसको नेट ऑन करके गेम को बैक कर देना। बट गाइस दिक्कत वहां पे फंसता है कि एक आदमी तो एक ही फोन कंट्रोल कर पाएगा ना, तो ज्यादा फोन इकट्ठा करने से फायदा नहीं है, ज्यादा आदमी इकट्ठा करना होगा। उसके लिए अगर आपके घर के आसपास बंदे नहीं है तो आप कॉल पे रहकर भी ये रिकनेक्टिंग वाला काम कर सकते हैं। एंड गाइस ज्यादा फ्रेंड्स तो छोड़ दो, सिर्फ 5 बंदे अगर आपके पास है ना आपके खुद को लेकर के तो 5 डिवाइस में अगर एक बार में मैच स्टार्ट होता तो 20 मिनट के अंदर समझ लो गाइस कि एक मैच में 50 प्लस तो 5 मैच का 250 प्लस मिलेगा। एंड गाइस अगर आप 20 मिनट में 250 प्लस कर रहे हो तो एक घंटे में 750, तो अगर आप 10 घंटे खेलते हो तो मतलब भाई दिन का 8000 स्कोर प्लस करोगे सिर्फ 10 घंटे खेलने पे, आपको रेस्ट करने का भी टाइम इजिली मिल जाएगा। एंड गाइस आपका क्वेश्चन तो अभी भी ये होगा कि आखिर नूब लॉबी कैसे लाए? तो गाइस देखो नूब लॉबी के लाने के लिए कोई ग्लिच को यूज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप जब पहला मैच स्टार्ट करोगे तो उसमें हार्ड लॉबी आएगी, उसके बाद आप
पे जितने फोन में रिकनेक्ट कर लो सारे फोन के अंदर नोवी लॉबी आएगी एंड यही कुछ आपको दिखा होगा वहाँ पे जब मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले मैच में तो अच्छी लॉबी आई थी जो कि आपको दिख गया होगा, जिसके बाद से सेमी टाइम पे मैं गेम बैठ करके जो नया मैच स्टार्ट किया तो उस टाइम पे नोव लॉबी आ गया। एंड एक्चुअल में गाइस ये नोव लॉबी इसीलिए आया क्योंकि गरीना के नजर में तो मेरी आईडी एक ही बार प्लेइंग में जाती है, इसलिए गाइस बाकी टाइम पे गरीना को ये लगता है कि आपके आईडी से मैच प्लेइंग चल रही तो मैच स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए वो कंप्यूटर यानी बॉट के साथ मैच को स्टार्ट करवा देती है। फाइनली यार ग्लिच तो पता चल गया बट अगर बिना लाइक किए जाओगे ना तो बहुत बुरा लगेगा, तो प्लीज कर देना यार। एंड हां 100K का मेरे को बहुत जल्दी से इंतजार है बिकॉज गाइस मेरे को ना फेस रिवील करना है, तो प्लीज यार अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना बिकॉज मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूँ ये आपको भी पता है और मुझे भी, तो जल्दी से 100K करवा दो ताकि मैं फेस रिवील करने के बाद सारी वीडियोस जो लाऊंगा वो फेस कैम के साथ ही लाऊंगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।